फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो हथीराम और पोयराज है बिहाइंड दी कैमरा बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं सेट पे, और दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। दोनों की जो केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रेंड्स ऑन से ऑफ स्क्रीन भी दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप भी क्यूट सी वीडियो देख सकते हैं हथीराम और पोयराज की, कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं दोनों। और फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते सेट पे, और जो एपिसोड 9 है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हथीराम और पोयराज तो एक दूसरे की और ज़्यादा क्लोज आएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो स्टोरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। और जो हथीराम और पोयराज है दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों अमेजिंग एक्टर्स हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से काफ़ी फैंस को दिल जीत लिया है, लेकिन अब देखें क्या बने। उनकी केमिस्ट्री की वजह से जो ड्रामा है काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, और जो उसकी रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन देखें, अभी भी बहुत ज़्यादा इनको और ज़्यादा रेटिंग की ज़रूरत है, लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है। और जो स्टोरी है कैसे न्यूज़ में डेवलपमेंट आएगी, और जो ऑडियंस है ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, क्योंकि फ्रेंड जो ज़्यादातर जो टर्किश ड्रामाज होते हैं उसमें जो रेटिंग होती है वो तुर्की की काउंट होती है, और इंटरनेशनल ऑडियंस की या सोशल मीडिया की काउंट नहीं होती। अगर हमारी टर्किश की जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर वॉच करेगी ड्रामा, तो उसकी जो रेटिंग है खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अब जो ड्रामे की रेटिंग है कितनी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ड्रामे को कामयाब करने के लिए और उसकी रेटिंग इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, फिर देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह।